हमको ये दिखाना है कि एन बी एन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ए बी पे कन्वर्ज करें। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको ये दिखाना होगा कि लिमिट एन और बी एन इसी को इस फार्म में लिखें, यानी यह ए एन और बी एन इसको हम लिखते हैं, यह ए एन ये किस पे कन्वर्ट कर रहा है, ए पे कन्वर्ट कर रहा है, तो यह माइनस ए ऐसा लिख रहे हैं, और बी एन ये कन्वर्ट कर रहा है बी पर, तो माइनस बी ऐसा हम लिख लें। तो ये वर्क हमने लिखा कि यह ए एन बी एन इसी की वैल्यू को एन टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट ए बी हो ये दिखाना है। तो हमने ए एन बी एन को लिया और इसमें ए एन ए पे कन्वर्ट कर रहा है तो ए एन माइनस ए ऐसा लिखा, और ये बी एन बी पे कन्वर्ट कर रहा है तो बी एन माइनस बी ऐसा लिखा। अब हम देखें कि ऐसा लिखने पर हमारा कुछ टर्म अतिरिक्त आ गए। अब अतिरिक्त क्या आया कि यह पहले का और इसके पहले का प्रोडक्ट करेंगे तो ए एन बी एन यही सिर्फ है, लेकिन जब यह ए एन माइनस बी करेंगे तो यह माइनस ए एन बी ए है, अब ये प्लस कर देंगे तो इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जो अतिरिक्त टर्म आ रहा है उसको हमको जो नहीं है उतना माइनस लेंगे तो उतना प्लस भी करेंगे जिससे वो कैंसिल हो जाए। तो अब यह ए एन बी एन इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास है, ए एन और माइनस बी इसका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस ए एन और बी इसके प्रोडक्ट में आएगा, लेकिन वैल्यू में परिवर्तन न हो तो इतना ही हमको प्लस में करना पड़ेगा। फिर इसका प्रोडक्ट हो गया, अब यहाँ से देखें माइनस ए बी एन यह है, लेकिन अब हमको प्लस ए बी एन ऐसा लेना पड़ेगा। अब लास्ट में हमारा ये प्लस ए बी है और तब हमको माइनस ए बी ऐसा लेना पड़ेगा। अब देखो यदि इसको प्रोडक्ट आप कर दें तो प्रोडक्ट करने के बाद ये जो वैल्यू है वो आपको यही देगा जो हमारा है, क्योंकि ए एन बी एन इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो हमारा ये है, और ए एन और माइनस बी ए एन माइनस बी तो ये माइनस में आया तो हमारा प्लस ए एन और बी ये है, तो इससे माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। फिर यह माइनस ए बी एन यहाँ से प्रोडक्ट में आएगा, लेकिन प्लस ए बी एन है तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा, और यह माइनस ए इंटू माइनस बी ये प्लस ए बी आया वो माइनस ए बी से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको इस फार्म में हम लिख सकते हैं। अब इस फार्म में लिखने के लिए इतने टर्म लिखे हुए हैं, लेकिन आपको बहुत इसमें वर्क नहीं करना है, बहुत ध्यान नहीं देना है। करना क्या है कि ए एन जिस पे कन्वर्ज किया तो ए एन माइनस ए ऐसा लिखा, और यह जो बी एन है वो जिस पे कन्वर्ज किया तो बी एन माइनस बी ये लिखा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट करने पर जो है यहाँ वो ये कोई टर्म है वो तो रहेगा, लेकिन उसके बाद जो जो टर्म आएंगे वो जो माइनस में होगा उसको प्लस में और जो प्लस होगा उसको माइनस में लिख लेंगे, जिससे वो कैंसिल होकर के सिर्फ हमको ए एन बी एन दे दे। अब हम क्या करते हैं कि इसका लिमिट लेते हैं, तो यह लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन बी एन इज इक्वल टू लिमिट ए एन माइनस ए बी एन माइनस बी और प्लस। अब यहाँ देखें एन टेंस टू इनफाइनाइट है तो जो हमारा जिसमें यन नहीं होगा उस पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब हमारा यहाँ से सिर्फ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन और यह बी, बी को अलग क्यों किया, क्योंकि यन टेंस टू इनफाइनाइट है तो जिसमें एन रहेगा उसी पर लिमिट निकलेगा, जिसमें एन है ही नहीं वहाँ हमको लिमिट। तो अब यहाँ से ये प्लस ए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और यह बी एन, अब इसमें हमारा लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें हमारा ए बी एन नहीं है, तो इसको केवल माइनस ए बी ऐसा लिख लेंगे। एन टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट लिखना है तो जिसमें एन रहेगा उसी में लिमिट का इफेक्ट, एन को हमको टेंड कराना है इनफाइनाइट को, तो जब यन उसमें रहेगा ही नहीं तो वो वैल्यू नहीं है।
अब आप देखें कि चूंकि ये हम लोग यहाँ ले अब इसमें फिर इसको दो पार्ट में कर लें, लिमिट एन इसी में केवल एन है और ये एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ऐसा सब हमने ले लिया। अब आप देखो कि लिमिट एन केवल एन इसी में है, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो य और माइनस ए ये वैल्यू एक साथ किया, इसमें लिमिट का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एन नहीं है, और फिर से यहाँ लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट या बी एन और फिर यह माइनस बी, बी में लिमिट नहीं आएगी और आगे प्लस लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन और इसके बाहर बी प्लस यह ए लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट बी एन और माइनस ए बी इस फार्मूले का। और जो लिमिट ए एन की जो वैल्यू है उसको लिख दें, ये क्वेश्चन में दिया गया कि लिमिट ए एन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए, तब हमारा यहाँ से यह वैल्यू आ गया ए और माइनस ए ऑलरेडी है, फिर यहाँ से लिमिट बी एन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर बी, तो यह बी और ए हमारा माइनस बी बचा हुआ है और ए एन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ए एन यह ए देगा, तब यह प्लस ए बी, देखो बी को वैसा लिखा और लिमिट ए एन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट इस पर जो वैल्यू दी गई है वह ए दिया गया, तो यहाँ ए लिखा और प्लस यह ए है और बी एन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर यह लिमिट बी दिया है तो यह बी लिखा और माइनस ए बी ऐसा आ गया। तब हम देख रहे हैं कि यह ए माइनस ए जीरो और b माइनस बी जीरो, तो जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया। अब ए ए बी यह कैंसिल हो गया, केवल हमारा बच गया ए बी, यही बच है। तो हमको जो दिखाना था कि ए एन इंटू बी एन एन टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट इसका जो हो ए बी आ जाए वो हम दिखा लिए। अब आप देखेंगे कि ये जो वर्क है ये हमारा आसान मेथड है और इसमें जो हम कन्वर्जेंट की एप्साइलम और एन जीरो करेंगे तो उससे वो वैल्यू बढ़ा जाएगा और ये इजीली इसको हम एडजस्टमेंट करके ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि ए एन बी एन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट ए बी आ गया, ऐसा हमने कर लिया। फिर एक क्वेश्चन दिया गया है कि लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट एक्स एन कन्वर्जेंट टू एक्स एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी एक सीक्वेंस दिया गया है एक्स एन जो x पे कन्वर्ज कर रहा है एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो x n x को कन्वर्ज कर रहा है, ऐसे ही दूसरा सीक्वेंस y n है ये y n y को कन्वर्ज कर रहा है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर y n की जो वैल्यू होगा उसी पर वो सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। तब हमको क्या दिखाना है, दिखाना यह है कि अल्फा एक्स एन और प्लस बीटा वाई एन, ये अल्फा और बीटा कोई दो रियल नंबर्स हैं, ये अल्फा और बीटा कोई दो रियल नंबर्स हैं, तो एक रियल नंबर का पहला सीक्वेंस एक्स एन में प्रोडक्ट किया और दूसरा रियल नंबर हमारा बीटा है ये वाई एन में प्रोडक्ट किया, तब हमको ये दिखा देना है कि इन दोनों का सम जो होगा वो एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई पे कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि वेयर अल्फा बीटा आर एनी रियल नंबर, ये हमारा रियल नंबर है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे इस वर्क पे थोड़ा सा आप ध्यान दें, तो एक चीज ये देखेंगे कि यदि हमारा अल्फा और बीटा यदि ये जीरो हो जाए तो जब जीरो हो गया तो ये भी जीरो और यह भी जीरो, तो अब जब जीरो हो गया तो यन नहीं रहा, जब यन रहा था तब यन को इनफाइनाइट लिखते तो जो आता वो हमारा उसका लिमिट होता, लेकिन इसके जीरो होने से ये प्रोडक्ट जीरो और ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो तो ये जीरो आ गया। अब इसमें यन टेंड्स टू इनफाइनाइट यन रहा नहीं कि उसको हम लिखें,
फिर ये अल्फा की वैल्यू यदि हम जीरो कर दे तो यह वैल्यू जीरो और बीटा को जीरो, तब ये दोनों सेम आ गए, तो जब अल्फा बीटा ये जीरो रहेगा तो उसके लिए तो ऑब्वियसली ये हमारा कंडीशन सही है। लेकिन हम अब ये दिखाएंगे कि अल्फा और बीटा ये दोनों जीरो ना हो, तब अभी हमारा इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस होगा वो इस पे कन्वर्ज करेगा, ऐसा हमको देखना है। तो पहला केस, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो देन द रिजल्ट इज प्रूफ, तब तो ये इजिली हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब हम लेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉट इक्वल टू जीरो, अब ये जीरो नहीं है तब इस रिजल्ट को हम ले रहे हैं। अब देखें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमको जो लाना है उस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो हमको ये दिखाना है कि यह जो सीक्वेंस हो वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज करें, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो लिमिट आता है उसी पर यह सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, उसी को लिमिट के फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। हम ये कहें कि यह सीक्वेंस इस पर कन्वर्ज करेगा या उसी को लिखेंगे कि इसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये होगा। तो ये सीक्वेंस इस पे कन्वर्ज करे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एक जैसे n की वैल्यू 1 लिखा, सीक्वेंस का पहला वैल्यू आया, 2 रखा, दूसरा आया, 3 रखा, तीसरा आया, ऐसे ही फाइनाइट तक रखते गए। तब यह अल्फा x1 प्लस बीटा y1 अल्फा x2 प्लस बीटा y2 से लेकर के ये इनफाइनाइट तक करें और ये अल्फा x प्लस बीटा वाई इस पे इनफाइनाइट तक ले तो इस पर यह कन्वर्ज कर जाए, ये तब कन्वर्ज करेगा जब यहाँ कोई एक डिस्टेंस ले, तो इस डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाए जिससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर हो उनकी वैल्यू जब इस सीक्वेंस में हम लें, यानी ये अल्फा एक्स यन और प्लस बीटा वाई यन, तो यह और जिस पे ये कन्वर्ज कर रहा है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये डिफरेंस जो हो वो लेस देन एप्सिलॉन ऐसा आ जाए। एक बार ध्यान दें, हमको यह जो सीक्वेंस है इसका नेचुरल नंबर 1 लिखा तो ये वैल्यू आया, 2 लिखा ये आया, 3 लिखेंगे अगला आएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक लिखते जाएं, तब इनफाइनाइट पर लिखने पर यह इस पर कन्वर्ज करे, हमको यही दिखाना है कि यह इस पर कन्वर्ज करे, तो इस पे यह कन्वर्ज तभी करेगा जब यहाँ कोई एक डिस्टेंस ले, तो इस डिस्टेंस के लिए अब हमको पाना क्या होगा, एक नेचुरल नंबर पाना होगा। इस नेचुरल नंबर की क्या प्रॉपर्टी हो कि इससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हो उनका जब इस सीक्वेंस में वैल्यू रखें तो वह मान और जिस पे कन्वर्ज करना है ये दोनों का डिफरेंस जो डिस्टेंस लिए हैं उससे लेस है। तब तो हम क्या करते हैं कि इसी वर्क के लिए यह डिस्टेंस एप्सिलॉन पहले चूज कर लें और तब उसके लिए हम एक नेचुरल नंबर पाएं। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी एनी रियल नंबर, अभी हमने ले लिया, ये किस लिए लिए है, ये इस डिस्टेंस के लिए लिए है और इस डिस्टेंस के लिए हमको पाना क्या है, एक नेचुरल नंबर को पाना है कि जिससे ग्रेटर नेचुरल नंबर इस कंडीशन को क्या कर ले, सेटिस्फाई कर ले, तो ये चीज हमको पानी है। तो इस वर्क के लिए देखें जो रिजल्ट दिया है उसको एक बार हम देखें, ये दिया कि एक्स यानी एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, इससे हमको क्या मिला, सिंस सीक्वेंस एक्स यान कन्वर्जेस टू एक्स,
ये सीक्वेंस एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, इससे आपको क्या मिला? ये यह एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, इस तरह से लेते हुए और यह कन्वर्ज कर रहा है एक्स पर। तो एक्स पर यदि यहाँ कोई डिस्टेंस लें तो इसके लिए डिफिनिटली एक नेचुरल नंबर मिलेगा, कि उस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उसकी वैल्यू जब इस सीक्वेंस में रखेंगे तो वो और यक्स इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जो डिस्टेंस लिए हैं उस डिस्टेंस से लेस है। तब आप देखो कि ये तो कोई डिस्टेंस ले सकते हैं, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हम प्रत्येक डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर मिलता है। तो अब हम क्या करते हैं कि देखेंगे कि यह जो एप्साइलन है, हम एक ऐसा डिस्टेंस लेते हैं कि इस एक्सियन के साथ यह प्रोडक्ट है हमारा अल्फा, तब हम जो डिस्टेंस लेते हैं सिंस एक्सियन कन्वर्जेस टू एक्स फॉर एनी एप्साइलन बाई मॉड अल्फा। इस बात को एक बार ध्यान दें, जो यहाँ डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यह एप्साइलन जो इसके लिए लिए हैं, इसके लिए जो एप्साइलन लिए हैं, यह एप्साइलन ये जो डिस्टेंस, यह ए एप्साइलन इसके लिए, तो ये तो ग्रेटर देन जीरो था ही। अब हम एक इसके लिए जो डिस्टेंस लेने जा रहे हैं वो डिस्टेंस क्या लें, तो उसको जो यह डिस्टेंस है वह और इसके साथ जो इसमें प्रोडक्ट है अल्फा, तो अल्फा आपका रियल है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो को पहले हम डील कर चुके हैं। तो यदि ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम जो ये डिस्टेंस लेते हैं वो निगेटिव नहीं लेते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इसीलिए ये अल्फा जो भी हो उसका मॉड ले लेंगे। मॉड का मतलब यदि माइनस टू है तो माइनस टू दैट इज प्लस टू, उसका पॉजिटिव वैल्यू ले लिया। तो ये आपका पॉजिटिव था ही और ये भी, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अब हम इसके लिए जो डिस्टेंस लेना है वो हमने यह ले लिया, ये लिया। तो चूंकि प्रत्येक ए सीक्वेंस एक्सियन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज करेगा ये दिखाना नहीं है, हमको कन्वर्ज ये दिखाना है। यह तो कन्वर्ज कर रहा है, वाई एन वाई पे कन्वर्ज कर रहा है, तो जो कन्वर्ज कर रहा है वो कन्वर्जेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए यहाँ कोई डिस्टेंस लें तो यहाँ जो डिस्टेंस हमने लिया वो एप्साइलन बाई मॉड अल्फा, यह डिस्टेंस ले लिया। तो चूंकि प्रत्येक डिस्टेंस पॉजिटिव ही लेना है तो हमने ये डिस्टेंस लिया, वो पॉजिटिव आया। तो इस डिस्टेंस के लिए भी यहाँ एक नेचुरल नंबर मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है। तो जो नेचुरल नंबर मिला उसको हमने सपोज कर लिया एन वन, कि यहाँ हमारा एन वन मिला, जिस एन वन से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उस पर सीक्वेंस की वैल्यू और एक्स इसका जो डिफरेंस आएगा वो इससे लेस आएगा। तो सिंस एक्सियन कन्वर्जेंस टू एक्स फॉर एनी एप्साइलन बाई मॉड ऑफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों लेते हैं? कि ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। वी फाइंड ए नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर से एन वन सच दैट मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्साइलन बाई मॉड ऑफ अल्फा। देखिए क्या किया, ये सीक्वेंस एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए यहाँ कोई डिस्टेंस ले तो ये डिस्टेंस हम इसके लिए जो सपोज किए हैं वह और बाई इसके साथ जो हमारा है उसका पॉजिटिव वैल्यू।
ये हमने यहाँ डिस्टेंस लिया, तो इस डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर डिफिनेटली मिलेगा। तो जो नेचुरल नंबर मिलेगा उसका हमने नाम दे दिया कि वह एन वन है, कि इस एन वन से क्रिएटर, तो वी फाइंड ए नेचुरल नंबर से एन वन सच दैट दिस फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन वन। इस एन वन से जितने ग्रेटर नेचुरल नंबर होंगे उस पर सीक्वेंस की वैल्यू लेंगे और एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यह वैल्यू देगा। ठीक है, ये सेम यही वर्क, ये इसको हमने वन ले लिया, इसको हमने वन लिया। अब हम क्या करते हैं कि अब दूसरा, सिंस सिंस सीक्वेंस वाई एन आल्सो कन्वर्जेज टू वाई, वाई एन वाई पे कन्वर्ज कर रहा है, दिस इंप्लाई फॉर एनी, अब देखो इसमें जब हम लेंगे एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज किया तो इसके लिए जो डिस्टेंस लिया था एप्साइलन बाई इसके पहले जो वैल्यू है उसका मान, लेकिन वाई एन वाई पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके पहले बीटा है, तब यहाँ से अब हम यहाँ एप्साइलन बाई माड बीटा ऐसा लेंगे, तो दिस इंप्लाई फॉर एनी एप्साइलन बाई माड बीटा ये ग्रेटर देन जीरो ही है, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर से एन टू, से एन टू सच दैट मॉड ऑफ वाई एन माइनस वाई लेस देन एप्साइलन बाई मॉड ऑफ बीटा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन टू, इसको हमने टू ले लिया। इसमें देखिए अभी जो हम लोगों ने किया है उसमें बहुत कुछ वर्क नहीं किया है, हमने सिर्फ इतना ही किया है कि सीक्वेंस एक्सियन कन्वर्ज कर रहा है तो डिफिनिटली एक प्रत्येक इस डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर देगा, जिससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उस पर सीक्वेंस की वैल्यू लिखें और जिस पे कन्वर्ज कर रहा है इसका डिफरेंस उससे लेस आ जाएगा और यही वाई एन भी। लेकिन जो डिस्टेंस लिया गया वो डिस्टेंस हमने क्या लिया है कि वो डिस्टेंस हमने लिया है कि यक्सियन से पहले जो वैल्यू है उसका मान डिवीजन में, और फिर दूसरा जो वाई एन लिया है उसका जो कोफिशियंट है उसका मान हमने डिनोमिनेटर में। तो ये हमने ले लिया, ये दोनों सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, यह देखेंगे कि एन वन से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हैं उन्हीं की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे सीक्वेंस में तभी इससे लेस है, लेकिन जो एन वन से लेस होगा या इक्वल होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और इसमें भी जो एन टू है, चूंकि ये सीक्वेंस दूसरा है इसलिए इसका यदि जो मिला वही इसका मिले जरूरी नहीं है, तो इसलिए हमने दूसरा ले लिया है, तो इससे ग्रेटर जो नेचुरल नंबर होंगे उसकी वैल्यू को जब इस सीक्वेंस में रखेंगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो एन वन है और एन टू है इन दोनों में जो सबसे बड़ा है उससे बड़े पहलू ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस चीज़ को आप समझें कि जैसे हमारा यह एक नेचुरल नंबर एन वन आया, इससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हैं इससे ग्रेटर उसका एक्स एन और माइनस एक्स ए लेस देन माड ऑफ एप्सिलॉन बाई माड ऑफ अल्फा आया है, और दूसरा नेचुरल नंबर हमारा दूसरे में एन टू है कि इससे ग्रेटर जितने हैं नेचुरल नंबर उसका वाई एन और वाई इसका एप्साइलम बाई माडा बीटा ऐसा गया हमारा। तो अब हम देखेंगे कि एन वन से ग्रेटर ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया और एन टू से ग्रेटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया,
तो जो यन1 और यन2 में जो ग्रेटर है उससे बड़ी वैल्यू तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम वही लिखेंगे कि इफ एन जीरो इज इक्वल टू मैक्सिमम एन1 एन2 देन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन0 कंडीशन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन0 विल सेटिस्फाई कंडीशन 1 एंड 2। देखे क्या किया, अब इसी चीज को आपको बताया कि इसमें जो नेचुरल नंबर मिला है पहले वाले में वो n1 है, n1 से ग्रेटर जो है वही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसमें n2 है उससे ग्रेटर ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो n1 और n2 में n1 से बड़े सब सेटिस्फाई किए n2 से बड़े, यदि जो हम n0 छोटे वाले को ले लें यदि इसको लेंगे तो इससे पहले जो n है वो दूसरे वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन जो बड़ा वाला है उससे बड़ा लेंगे तो वो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है तो वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा। तो यहाँ हम लोगों ने ये वर्क किया। अब जो आपको निकालना है उस पर देखो, तो अब हम क्या करते हैं कि जो n0 आया, जो n0 उससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसकी वैल्यू को इसमें रखें। तो अब इस वर्क को देखें, इसलिए उसको मिटाए नहीं, एक्चुअली इसको टारगेट में लेकर के हम कर रहे हैं, लिखना यही है वो समझने के लिए है। तो हम प्रूफ में नाउ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 0 वी हैव, देखिए क्या करते हैं, अब ये वैल्यू अल्फा एक्स एन प्लस बीटा वाई एन, हमारा यह एक एन 0 मिला। अब जो हमको पाना है क्या कि यह जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में एप्साइलन डिस्टेंस लिया है, तो एक n0 ऐसा मिल जाए कि इससे ग्रेटर जितने भी n हो उस पर इस सीक्वेंस की वैल्यू निकालें, और जिस पे कन्वर्ज करना है वो इसका डिफरेंस यदि एप्साइलन से लेस आ जाए तो ये सीक्वेंस इस पे कन्वर्ज कर जाएगा। तो अब हम यह n0 एक पाए हैं, ये n0 कौन सा है, जो हमारा जो यह n1 था और जो n2 था इसमें जो ग्रेटर है उसको हमने n0 कहा। अब इस n0 से ग्रेटर जितने n है उस पर ही सीक्वेंस की वैल्यू ले, तो हमने यह लिया, इस पे कन्वर्ज करना है तो ये अल्फा एक्स और प्लस बीटा वाई इस पे कन्वर्ज करना है। यदि हम ये दिखा दें कि इसकी वैल्यू लेस देन एप्साइलन तब हमारा ये सीक्वेंस के लिए ये नेचुरल नंबर मिल गया जिससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू इसमें रख रहे हैं तो वह और इसका डिफरेंस एप्साइलन से लेस आ गया, तब कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यही चीज दिखानी है। अब ये चीज कैसे हमको दिखाएंगे इसको एक स्टेप में आप समझ सकेंगे। अब आप देखो अल्फा एक्स एन और अल्फा एक्स इन दोनों को एक साथ है, तब हमने यहाँ से लिया यहाँ से अल्फा एक्स एन और माइनस अल्फा एक्स एक साथ और प्लस यह बीटा वाई एन और माइनस बीटा वाई यह एक साथ, यह हमने मॉड में ले लिया। और जब मॉड में लिया तब आप क्या कर लो कि इन दोनों को अलग अलग करो, तो ए प्लस बी मॉड में हो तो जब मॉड ए पर भी लगाएंगे और बी पे भी तो लेस आर इक्वल, तो यह लेस आर इक्वल मॉड ऑफ अल्फा, अब इसमें चाहे लिख लें अल्फा एक्स एन और माइनस अल्फा एक्स और प्लस मॉड ऑफ बीटा वाई एन और माइनस बीटा वाई, ऐसा कर लिया। अब आप देखेंगे कि अल्फा इसमें हमारा
एक रियल नंबर है उसको हम बाहर ले लें, तो जब बाहर लेंगे तो ये वैल्यू मॉड ऑफ अल्फा और यह एक्स यन माइनस एक्स ये वैल्यू है और प्लस यह मॉड ऑफ बीटा इसको कॉमन ले लें यह वाई यन माइनस वाई ये आ गया। अब जो वैल्यू यन जीरो जो ये एन जीरो से ग्रेटर यन है वो कंडीशन वन को भी सेटिस्फाई किया है टू को भी, यानी यह एक्स यन माइनस एक्स इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई मॉड अल्फा आया है, तब यह वैल्यू हम जब लिखेंगे यहाँ से अभी जो मिटा रहे हैं उसी की वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये अब देखो जैसे यह वैल्यू है ऐसे ही हमारा एक्स यन माइनस एक्स था तो इससे ये बड़ी वैल्यू है यहाँ इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो यह इक्वल भी रहे तो चूंकि इससे ये बड़ा वैल्यू आ गया तो यहाँ हमारा इक्वालिटी हट जाएगा मॉड ऑफ अल्फा और इसकी वैल्यू आया है एप्सिलॉन बाई मॉड ऑफ अल्फा और प्लस देखें ये मॉड ऑफ बीटा पहले से है और वाई एन माइनस वाई इससे ये बड़ी वैल्यू है, तो यदि ये इक्वल भी रहता और जब इससे ये बड़ा मान रखता तब ये छोटा हो जाता तब हमको ये मिल जाएगा एप्सिलॉन बाई मॉड ऑफ बीटा ऐसा है ठीक है ये। तो अब यहाँ से ये मॉड ऑफ अल्फा से मॉड ऑफ अल्फा कैसे मॉड ऑफ बीटा से मॉड ऑफ बीटा कैसे, एक काम और आपको करना है ये जो वैल्यू जब दो का सम आता है तो बाई टू करते हैं ये हम लोग ध्यान देंगे यहाँ, तो जो हम लोगों ने लिया है उसमें एप्सिलॉन बाई टू मॉड ऑफ अल्फा लेंगे और एप्सिलॉन बाई टू मॉड ऑफ बीटा, तो इतना हम संशोधन कर लेंगे यानी जो वैल्यू हम लोगों ने लिखा है उसमें क्या लिखेंगे कि जो एप्सिलॉन बाई मॉड अल्फा लिखे तो एप्सिलॉन बाई टू मॉड अल्फा लिखेंगे, तो उसको एक बार संशोधन कर लेंगे ए। अब वैसे भी पहले भी हम लोगों ने बहुत किया कि जब दो के सम में आता है तब जो एप्सिलॉन पहले से लेते हैं उसका हाफ लेते हैं कि ऐड करें तो एप्सिलॉन आ जाए, उस बात पे यहाँ ध्यान नहीं दिया गया, तो उसको आप एक बार क्या कर लेंगे कि अब हम यहाँ मिटा चुके हैं लेकिन आप कीजिएगा कि जहाँ भी वैल्यू लिए हैं एप्सिलॉन बाई ये मॉड अल्फा उसकी जगह पे लेंगे एप्सिलॉन बाई मॉड टू अल्फा और जहाँ एप्सिलॉन बाई मॉड बीटा लिए हैं वहाँ एप्सिलॉन बाई टू मॉड बीटा लेंगे, तो वो जो इसके पहले वाला जो पार्ट था वो हमको मिलेगा वहाँ से वो मिल जाएगा मॉड ऑफ एक्स यन माइनस एक्स यह लेस देन एप्सिलॉन बाई टू मॉड ऑफ अल्फा और यहाँ से मिल जाएगा एप्सिलॉन बाई टू मॉड बीटा, तो जो डिस्टेंस लिए है वहाँ ये संशोधन कर लेंगे और जब वो संशोधन करेंगे तो यहाँ से टू और यहाँ से टू ऐसा आ जाए। अब हम देख रहे हैं कि यह जो वैल्यू आया ये वैल्यू आया वो लेस देन मॉड अल्फा से मॉड अल्फा कैंसिल एप्सिलॉन बाई टू और प्लस एप्सिलॉन बाई टू यानी यह लेस देन एप्सिलॉन, तो हमने क्या किया यहाँ कोई भी एक डिस्टेंस लिया उसके लिए हमको एक नेचुरल नंबर मिल गया कि इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनकी वैल्यू जब इस सीक्वेंस में रखा और जिस पे इसको कन्वर्ज करे दिखाना हो इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस आ गया, इसका मतलब यह जो सीक्वेंस है वो हमारा इस पर क्या किया कन्वर्ज कर गया, तो टोटल जो वर्क किया वो आपने क्या किया किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, तो आपको जो पहले टारगेट है उसको आप ध्यान देंगे कि हमारा जो सीक्वेंस यह है इसका यन को वन रखोगे तो सीक्वेंस की पहली वैल्यू, टू रखेंगे दूसरी वैल्यू, थ्री रखेंगे तीसरा, ऐसे इनफाइनाइट तक लिखते जाए, तो ये हमारा दिखाना है कि यह अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इस पे कन्वर्ज करे, तो ये सीक्वेंस इस पे कन्वर्ज तभी करेगा जब यहाँ कोई डिस्टेंस लें तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर मिल जाए जिससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर रहे उस पर जब इस सीक्वेंस की वैल्यू जैसे वन लिखा टू लिखा
तो इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जो नेचुरल नंबर रहेगा उसको जब रखें तो ये और यह वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन दे दे। ये हमको ये तो ले लिए हैं और यह हमको पाना है कि वो नेचुरल नंबर ऐसा आखिर क्या है कि जिससे ग्रेटर पर यह डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस आ रहा है। अब यह नेचुरल नंबर ही पाना है तो ये नेचुरल नंबर कैसे हमको मिलेगा। यहाँ देखो दो सम है एक्सियन और वाईएन दो सीक्वेंस, तब हम क्या करेंगे कि एप्साइलम बाई टू लेंगे। एप्साइलम नहीं वो किसके लिए, अब थोड़ा सा ये पार्ट आपको दिखाना है लेकिन शेष दो जो पार्ट आपने किया वो आपको क्या करना है कि यह एक्स यन एक्स पे कन्वर्ज किया, इसका मतलब यह एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से लिया और ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है एक्स पर, तो यह एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है तो यह कोई डिस्टेंस ले इसके लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा। तो जब कोई डिस्टेंस हम लेंगे तो हम जो ये जो यहाँ इसके लिए लिए हैं तो यह एप्साइलम बाई टू आई से यक्सियन से पहले जो हमारा नंबर है वो ये टू लिए है इसलिए ये दो बार ऐड होना है और डिनोमिनेटर में ला रहे हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाए तो यहाँ से एप्साइलम बाई टू मॉड ऑफ अल्फा। तो चूंकि ये हर डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा तो इस डिस्टेंस के लिए भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो इस डिस्टेंस के लिए जो नेचुरल नंबर मिला उसको एन वन कहा। तो इस एन वन से ग्रेटर जितने भी इस सीक्वेंस नेचुरल नंबर होंगे उस पर इस सीक्वेंस की वैल्यू लेंगे तो और यह एक्स इसका डिफरेंस जो आएगा वो हमारा एप्साइलम बाई टू मॉड ऑफ अल्फा। अब आप सोचोगे कि आखिर पहले हम एप्साइलम लिए थे एप्साइलम बाई टू ले लिया, हमको जो मन कर रहा है वो ले रहे हैं, तो चूंकि एक क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यह सीक्वेंस इस पर कन्वर्ज कर रहा है तो ये हर डिस्टेंस के लिए जो भी डिस्टेंस लेंगे सबके लिए एक अलग अलग नेचुरल नंबर मिलेगा। तो हमको जो जरूरत है इस डिस्टेंस के लिए भी एप्साइलम के लिए भी मिलेगा, एप्साइलम बाई टू के लिए भी मिलेगा, एप्साइलम बाई टू मॉड ऑफ अल्फा के लिए भी मिलेगा, सबके लिए मिलेगा। तो हमको जिसकी जरूरत है उसको हम लिखें, तो हमने एप्साइलम बाई टू मॉड ऑफ अल्फा लिए तो इसके लिए जो नेचुरल नंबर मिला उसको हमने एन वन कहा। और फिर यही वर्क आपका दूसरे का कि यह वाई वन वाई टू ये हमारा वाई पे कन्वर्ज कर रहा है, तो जब वाई पे कन्वर्ज कर रहा है तो यह डिस्टेंस लिए है एप्साइलम और दो का सम है तो ए डिस्टेंस लेंगे एप्साइलम बाई टू, लेकिन इस वाई वन से पहले हमारा बीटा है तो अब यहाँ ये मॉड ऑफ बीटा यल है, तो जो डिस्टेंस लेंगे प्रत्येक के लिए एक नेचुरल तो इस डिस्टेंस के लिए भी मिलेगा, तो इसके लिए जो मिला उसको हमने एन टू कहा कि ये जितने भी यह एन टू ऐसा हुआ कि इससे ग्रेटर जो नेचुरल नंबर होगा उस पर इस सीक्वेंस की वैल्यू जब लिखेंगे तो वह वाई एन और माइनस वाई इसका जो डिफरेंस आएगा वो जो डिस्टेंस यहाँ लिए है उससे लेस है। यही चीज जो टू छूटा था वही संशोधन करना है। तब आपका यह सीक्वेंस इस पे कन्वर्ज किया तो यह डिस्टेंस लें उसके लिए जो नेचुरल नंबर मिला उसको हमने यन वन कहा और तब यह डिफरेंस यह दिया और वाई के लिए हमको जो मिला वो यह दिया। तब जब ये दोनों मिल गए तब जो हमको चाहिए उसको दें तो इसे यन वन ए यन वन से ग्रेटर ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है और यह यन टू से ग्रेटर ही ये जो है उसको सेटिस्फाई किया। तो यानी जो दोनों में बड़ा होगा उससे बड़े तो दोनों के सेटिस्फाई करेंगे, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसी को हमने एन जीरो कहा एन जीरो। अब इससे ग्रेटर जो यन है इसमें केवल उन्हीं यन पर सीक्वेंस की वैल्यू ले रहे हैं, ये सबके लिए नहीं, ये जो दोनों में यन वन यन टू में जो बड़ा है उससे बड़ा हमने नेचुरल नंबर लिया और उस नेचुरल नंबर पर इस सीक्वेंस की वैल्यू को लिखा और जिस पे कन्वर्ज करे उसको लिखा। तब हमने क्या किया कि इस अल्फा वाले एक्स वाले को एक साथ वाई वाले को एक साथ और मॉड प्रत्येक पर लाओगे तो ये लेस आर इक्वल हो गया। अब इसमें अल्फा को कॉमन ले लो तो हमारा यह आ गया, बीटा कॉमन ले लिया तो ये आया। अब एन जीरो से ग्रेटर जितने यन है वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया,
और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया तो इसकी वैल्यू एप्साइलम बाई टू माड ऑफ अल्फा और यहाँ से एप्साइलम बाई टू माड ऑफ बीटा, तो माड अल्फा सेकेंड से एप्साइलम बाई टू माड बीटा से एप्साइलम बाई टू और तभी एप्साइलम आ गया। तो यानी हमने देखा कि जो यहाँ डिस्टेंस ले रहे हैं तो इस डिस्टेंस का हाफ और माड अल्फा डिनोमिनेटर में इस डिस्टेंस के लिए जो नेचुरल नंबर आया और दूसरे सीक्वेंस के लिए एप्साइलम बाई टू और माड बीटा इसमें जो नेचुरल नंबर आया इन दोनों में जो मैक्सिमम हुआ उससे ग्रेटर जितने यन है वो उसका डिफरेंस एप्साइलम से लेस दे दे। इसका मतलब कि हैंस हैंस सीक्वेंस अल्फा एक्सियन प्लस बीटा वाई एन कन्वर्जेज टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इस पे ये कन्वर्ज कर लिया। ये तीन स्टेप लाने के लिए क्या करना है और यह एक्सियन कन्वर्ज किया तो यह डिस्टेंस के लिए नेचुरल नंबर और यह डिस्टेंस के लिए नेचुरल नंबर इन्हीं दोनों का यूज जब इसमें कर देंगे हमको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब शेष जो वर्क है उसको हम देखते हैं कि यदि कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसा रहा जो बताना आवश्यक होगा तब इसमें हम आगे वर्क करेंगे और नहीं तो इसके बाद हम जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर बचा हुआ है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ये लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी केवल ये बीएससी टू के लिए या जहाँ ये चैप्टर आया है उसी के लिए ये यूजफुल नहीं है। इसके लिए मैथमेटिक्स के मैक्सिमम ब्रांचेज में लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का यूज होता है तो इसको समझना आवश्यक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसी लिमिट को स्टार्ट करें।